नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस नेता प्रकाश जैन रांका ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा है कि कांग्रेस शासन में स्वीकृत गौशालाओं का निर्माण कार्य धरातल पर पूरा नहीं करा पा रही है। भाजपा सरकार और भाजपा नेताओं की कथनी करनी में अंतर है। एक तरफ तो भाजपा गौ माता को राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा देने की बात करती है और वहीं धरातल पर उनके आश्रय स्थल को भी नहीं छोड़ रही है। कहीं गोचर भूमि पर अतिक्रमण है तो कहीं गौशालाओं का अधूरा निर्माण। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रकाश जैन रांका ने यह भी कहा कि आम जनता के साथ साथ पशु भी मध्य प्रदेश में दुखी है। ये ग्राम काशा जो कि ग्राम तुम्बा पंचायत में लगता है और ये यहाँ के कई लोगों से मेरे को बार बार फोन भी आ रहे थे कि यहाँ पर ये थोड़ा सा गौशाला है, ये हमारे कमलनाथ जी ने इसकी स्वीकृति दी थी और 2020 से इस कार्य का प्रारंभ किया गया। आज 4 साल हो गए लेकिन अभी तक इस गौशाला का आप पीछे देख सकते हैं कि क्या स्थिति बनी है। यहाँ पर गाय आज कभी उस मंगरे पे जाती है, कभी उस पीछे वाले मंगरे पे जाती है, कभी उधर जाती है। यहाँ पर लोगों ने मुझे बताया कि कम से कम यहाँ पे 100 गाय हैं जिनके लिए आज भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। मैं अंदर भी जाके देखा लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ पर किसी भी नहीं हुआ है और न ही कुछ हुआ है। आज इधर के साइड में गाय इधर उधर भटकने में मजबूर है। मैं यही चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इस गौशाला का निर्माण कम्प्लीट हो ताकि गायों को सुविधा मिल सके, गाय यहाँ पे रह सके, गायों को